हमने लोग लाइक करेंगे लोग पसंद करेंगे अप्रिशिएट करेंगे जब आप डायमंड बनेंगे क्राउन बनेंगे यूसीए बनेंगे तो आपको बहुत वाह वाह करेंगे बोले यार क्या इंस्पायर होंगे उसके लिए थोड़ा सा जहाँ नॉर्मल लोग गिवअप कर देते हैं वहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना तो इसकी तैयारी करनी है आम परिवार से सादा माहौल से आना हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी ताकत होती है है ना इसलिए इसको अप्रिशिएट करिए और कैसा जीवन चाहते हैं आप लोग मुश्किल या आराम आर मुश्किल है आसान इजी एंड कंफर्ट तो आप देखेंगे ये रूट चार्ट में आप देख रहे हैं डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं ऑबस्टिकल्स दिखाई दे रही हैं फेलियर दिखाई दे रही है देन उसके बाद सक्सेस आ रही है है ना तो ये सिद्धांत है इन सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता है और उसके बाद ही सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो टफनेस और एंथुजियाज्म जो है हमारे जीवन में हमको मजबूत बनाने के लिए आता है ये मेरी चार पीढ़ियों के फ़ोटो हैं है ना मेरे दादाजी ताली की बात नहीं समझो ये दादाजी हैं फिर पिताजी हैं फिर मैं हूँ और फिर हमारा सुपुत्र साहब हैं तो अभी दादाजी सरकारी नौकरी में थे फिर पिताजी सरकारी नौकरी में फिर मैं भी सरकारी नौकरी में आ गया फिर सुपुत्र को भी क्या करना था लग जाती तो ठीक है ये जरूरी थोड़ी ना करनी है ऐसा तो है नहीं मैं अपनी दे दूंगा अपनी दे सकता हूँ क्या नहीं तो उसकी लग जाती तुक्के में जैसे मेरी लग गई तुक्के में तो तो फिर उसका भी होना था तो ये क्रम चला आ रहा था तो ये क्रम हमेशा चलता रहता लेकिन अभी इस क्रम में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि एक चीज़ नई एड ऑन हो गई है ना एक चीज़ जुड़ गई क्या जुड़ गई सेफ सॉफ़ एक तो हुआ सेफ सॉफ़ जुड़ गई तीसरी पीढ़ी में तो सेफ सॉफ़ जुड़ने से क्या हुआ तस्वीर में क्या हुआ थोड़ा बदलाव आ गया अब अगली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा तो अगली पीढ़ी को अब कंपलसरी नहीं है मजबूरी नहीं है कि नौकरी करना है या ढूंढना है चॉइस है तो खुली ज़िंदगी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब मजबूरी नहीं है है ना ज़रूरी नहीं है कि नहीं करना है करना है करना है। अब मैं जैसे हमको पाठ पढ़ाया गया तो हम पाठ नहीं पढ़ाएंगे तुमको सरकारी नौकरी कभी नहीं पढ़ाएंगे ना कभी पढ़ाते हैं सरकारी नौकरी करनी है सरकारी नौकरी करनी है ना फ्री हो गए कि नहीं हो गए बोलो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए बहुत बड़ी चीज़ है ये आप इतने फ्री हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हमारी दौलत हमारी सारी चीज़ों से देने के लिए तैयार बैठे हैं नहीं हम दे देंगे तो फिर अपने आप क्या बनाएगा अपने आप बनाना जरूरी है है ना लेकिन जो हमें संस्कार मिले संस्कार उसको भी मिलने चाहिए तो अपने दम पर खड़ा करना चाहिए तो तो बात है ऊपर वाले का खानदान का मिल गया उसमें बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी अब ये मजबूरी नहीं है कि नौकरी ढूंढनी पड़ेगी है ना सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी बताओ हाँ दिल से सोच के देखो ना दिमाग से थोड़ा सा तो यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा अभी उन्नीस हुए बीस ही मान लो कोई बात नहीं बीस मान लीजिए अगर सपोज उदाहरण के लिए बीस साल पहले जैसे हम नौकरी में भी गए तो अगर सेब सॉप को इंकार कर देते करने से और सिर्फ नौकरी करते तो अभी बीस साल की नौकरी भी हो चुकी होती उन्नीस साल की बोलो तो नौकरी उन्नीस साल की हो जाती तो फिर उस दिन उससे क्या होना था इसको डेली पार्ट पढ़ा रहे होते क्या क्या पार्ट पढ़ा रहे होते बताओ, 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 बताओ? सही 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 है ना सच्चाई है कि नहीं करना है करना है नाम मत डबो देना इज्जत खराब मत कर देना गड़बड़ मत कर देना जरूर तो करना है करना है ऐसे तो करना पड़ता ना तो लेकिन क्या हुआ अब इसमें सेफ सॉप आ गई और तो कुछ आया नहीं अच्छा जो आप कर रहे हो नौकरी उसको करते रहो कौन मना कौन कर रहा है लेकिन उसको करते करते अगर आप बिल्डअप कर लेते हो फिर तो फ्री हो सकते हो ना हमेशा के लिए yes. तो एक सिक्योरिटी होगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कर रहे हैं yes. मतलब नौकरी भी कर रहे हैं सेफ सॉप नहीं भी कर रहे नौकरी भी कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब इसमें आप आकर के बेहतर से बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिला सकते हैं नहीं दिला सकते हैं yes. बेहतर एजुकेशन बेहतर जो भी आप सुविधाएं जो भी आप करना चाहते हो बनाने के लिए वो कर सकते हो तो ये चीज़ें मोटिवेट होने के नहीं है ये चीज़ें समझने की हैं है ना तो आपका जो पीढ़ी बदल सकती है नेक्स्ट जनरेशन बदल सकती है अच्छा अब क्या हो गया छोटी सी चीज़ है उसमें क्या हो गया कि तीन पीढ़ी से चला आ रहा है चौथी पीढ़ी में क्या हुआ बदलाव हो गया और चौथी पीढ़ी में बदलाव ये हो गया कि अब अब जैसे इनको बोला जाए कि भाई गरीबी गरीब, गरीब आदमी पर निबंध लिखो जैसे किसी राजकुमार से किसी प्रिंस से बोला जाए कि आप गरीब आदमी पर निबंध लिखो जैसे मुकेश अम्बानी के बच्चों से बोला जाए और अभी ग्रैंड आ जाएंगे उनसे बोला जाए गरीब आदमी पर निबंध लिख के लाओ स्कूल में है ना तो निबंध कैसे लिख के लाएंगे कौन बताएगा गरीब आदमी पर निबंध कैसे लेके एक दूर गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था ये तो होगा पहली लाइन उस बिचारे के पास कुल छोटी छोटी तीन कार थी है ना? नारे के पास कुल पचास बीघा खेत था सोच वो तो अपने सोच रहा है ना एक बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री का मालिक था कुल जिसमें तीन सौ लोग काम करते थे कुल मुश्किल नहीं हो जाएगी अब जी तो हमसे पूछो ना हमसे पूछो ना अभी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता मतलब क्या रहता है है ना? तो ये एक बदलाव अभी क्या सोचते हम लोग क्या सोचते रहते हैं कि हम नहीं करने पड़े तुम करो जो कुछ है बच्चों से पूछते हैं ना तू ज्यादा पढ़ बापू के नंबर कितने आए टोटल मिला के पूरे स्कूल में पूरे पिचहत्तर नंबर आए होंगे सब मिला के सारे सब्जेक्टों का टोटल मिला के छह का जोड़ के 75 नंबर आए होंगे और उसको बोल ओनली सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स बच्चों का पिछहत्तर परसेंट नंबर लेके आए कुल तेरे 75 नंबर पूरे आए थे क्या बस कर रहा है ठीक है मैंने तो अपनी जितनी मार्कशीट थी सब छुपा के रख दिया अंदर किसी में फर्स्ट है नहीं ऐसी जगह रख दिए है कि कोई मैं भी ना ढूंढ क्योंकि खामा का किसी दिन पल्ले पाऊगी बच्चों को आजकल के बच्चे होशियार इतनी घनघोर बेचती होनी है <laughs> मैं ना तो पल्ले पड़ना चाहिए बिल्कुल ऐसे अन, बिल्कुल तह में छुपा के रख दो कहीं पल्ले ना पड़ जाए है ना क्योंकि फिर पूछ लेगा बाबू तुम्हारे कितने आए थे बताओ तो इसलिए चुप रहो अपना तो अभी लेकिन बदलाव क्या हो सकता है बदलाव यह हो सकता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में इतना बदलाव हो सकता है कि आप खुद ही कर लो ना हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप बीटेक करो आप डॉक्टर बनो आप ये करो पीढ़ी बदल जावे पीढ़ी बदल जावे पीढ़ी बदल जावे लेकिन हम ही कर डाले ना जो कुछ करना है किसी को एक को तो करना ही है एक ही को तो करना है तो हम ही कर लें है ना क्यों भाई बताओ तो थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है और कुछ संभावनाएं तलाशनी पड़ती हैं सेटिंग बनानी पड़ती है बन जाती हैं ऐसी कोई बात नहीं बन जाती है ना कोरी बातें कई बार लगती हैं हमारे ऐसे मंच पर बैठ करके और जब आदमी सफल हो जाता है तो उस वो कुछ भी स्लाइड बना के कुछ भी बोल सकता है तो ऐसे लगता है ठीक है आपकी तरह तो कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन बोल भी सकते हैं लेकिन बना भी सकते हैं ऐसी बात नहीं है संभावनाएँ तलाशी जाएं तो सारी चीज़ें बन जाती हैं बनाने से बनती हैं तो एक इतना बड़ा विशाल मतलब हम एक जनरेशन बदल बदलने काम कर रहे हैं जहाँ से अगली पीढ़ियों को वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको वो सारी चीज़ हम दे सकते हैं प्रोफाइल बदल सकते हैं जैसे अभी संजय जैन साहब तो ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे उनके बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं दोनों है राजीव चतुर्वेदी साहब का बेटा अभी अमेरिका में है नरसिंह ग्रेवाल जी का बेटा अभी इंग्लैंड से रिटर्न हुआ है और बेटी शायद इंग्लैंड चली भी गई होगी शादी होगी एक इंजीनियर के साथ में बड़ा इंजीनियर है तो शायद उसके निकल गया होगा प्रमोशन पे है ना तो अब एक प्रोफाइल बदल जाता है पूरी तरीके से प्रोफाइल इतना बदल जाता है अब उनके बच्चे होंगे नेक्स्ट है ना शादी वादी हो रही है तो बच्चे भी होंगे ना फिर उनसे पूछा जाए हाँ जी बताओ तो सब उनका फ्रेंड सर्किल उनका सब कुछ बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा सारा है ना सब बदल गया तो उतना बड़ा बदलाव हो सकता है लेकिन हम जिस प्रोफाइल में तो हम इस जन्म में सोच भी सकते थे क्या तो इतना बड़ा इतना बड़ा मामला है हम लोगों के पास में जहाँ से हम बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं इसकी तैयारी करनी है लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है थोड़ी तैयारी करनी है जो आप कर रहे हैं उसको करते करते भी कर कर सकते हैं अगर इसको नहीं करते तो सिर्फ नौकरी करते तो नौकरी करने से नौकरी की लिमिटेशन हैं नौकरी ख़राब नहीं है नौकरी अच्छी है लेकिन उसकी मर्यादाएँ हैं उसकी लिमिटेशन हैं लेकिन उन लिमिटे लिमिटेशन्स को तोड़ करके हम कुछ करते हैं अलग से तो वहाँ से सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है हम हमेशा अचीवर को परफॉर्मर को सफल आदमी को रिवार्ड को देख के ही हम इंस्पायर होते हैं कोई भी आदमी आई पी एस आई एस क्यों बनना चाहता है क्योंकि हर साल कोई ना कोई आई पी एस आई एस बनता है उससे प्रेरणा लेता है वो जबकि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं नौ लाख सत्तर हज़ार में से सात सौ बारह ही तो सेलेक्ट हुए लेकिन अब किन को देख के प्रेरणा लेंगे सात सौ बारह को देख के प्रेरणा लेंगे ना तो वहाँ से वो हो गया उस कोचिंग से वो निकल गया वहाँ से वो निकल गई वहाँ से वो निकल गया या जो लोग नहीं हो पाए उनसे प्रेरणा तो नहीं लेते ना लेकिन प्रेरणा लेते हैं तो बनते हैं कि नहीं बनते हैं बनते हैं तो हम भी प्रेरणा लेंगे तो किन से प्रेरणा लेंगे जो कंपनी में आए जिन्होंने काम नहीं कर पाए फेलियर हो गए उनसे प्रेरणा लेंगे या जिन्होंने सफलता लेके दिखाई उनसे प्रेरणा लेंगे आप बताइए तो यह दुनिया का नियम है प्रकृति का नियम है हम हर जगह हर फील्ड में दुनिया के हर क्षेत्र में उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं जो लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं सफलता लेते हैं आगे बढ़ते हैं लीड करते हैं और उन्होंने जो अमल किया फॉलो किया उन बातों को हम भी फॉलो करते हैं अमल करते हैं तो हमारे को भी सारी चीजें मिलती हैं ये फ्रिज तो 2003 में मेरी आईडी डली इस बिज़नेस में 2003 में मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया 2003 में ज्वाइन करने के बाद इस बिज़नेस को जैसे तैसे हर आदमी करता है तो मैंने भी किया ये एक फंक्शन का पास था जहाँ पर सबसे पहले मैं ज्वाइन भी नहीं किया था इस बिजनेस को और इस फंक्शन के मैं मैं अटेंड करने के लिए गया दिल्ली में है ना दो सौ रुपये का कंट्रीब्यूशन था इसमें ऑडिटोरियम था एक एयर फोर्स ऑडिटोरियम वहाँ पर मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला जब मैं ज्वाइन नहीं था मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था मैं क्या करता था प्लान देख रखा था प्लान देखने के बाद में मेरा साइनअप कर लिया और मेरे से जो साइनअप करने की जो भी था उन्होंने जमा करा लिया और जमा कराने के बाद में मेरे को बताया ये साइनअप करने से आपको आजीवन ट्रेनिंग फ्री मिलेगी ऐसे बोल दिया एक लाइन तो मैं तुरंत और मैं बोला ट्रेनिंग कब होती है शुक्रवार को होती है शाम को साढ़े छः बजे जगह बता दी मैं बोला ठीक है मैं टाई लगा के डायरी पेन लेके पहुंच गया ट्रेनिंग में मैं ज्वाइन नहीं किया तो बोला अरे आप हाँ आपने बोला था ट्रेनिंग फ्री मिलेगी तो मैं आ गया लेने आपने ज्वाइन तो किया नहीं ज्वाइन कर लेंगे उससे क्या दिक्कत है ज्वाइन करना अलग बात है ना ये तो ट्रेनिंग का तो फ्री है ना कोई दिक्कत तो है नहीं ना पैसे दिए हैं हमने अब ट्रेनिंग लेंगे हम बोला बड़ा पागल आदमी ठीक <laughs> है संडे को पहुंच गए हम संडे को पहुंच गए टाई लगा के अपना स्कूल वाली टाई थी हम पे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी भी लगाते थे स्कूल में वही वाली थी उसको लगा के पहुँच गए संडे को पहुँच गए बोले आप हाँ आपने बोला था संडे और फ्राइडे दोनों फ्री रहेंगे सिस्टम से तो अटेंड करने आए हैं तो बोले आपने ज्वाइन तो किया नहीं ज्वाइन क्या वो जो दे दी ना इसकी तो फीस तो बाकी ज्वाइन तो अब हमारे हाथ में ना कर लेंगे चाहे आपको क्या जल्दी है जब हमें जल्दी नहीं है तो शुक्रवार को फिर पहुँच गए बोले फिर आ गए बोले हाँ फिर आ गए सबसे आगे बैठ जाते सबसे आगे एक महीना निकाल दिया इसमें हमने सबसे ज्यादा मेरे को देख करके जो चिड़ता था वो जिसने प्लान दिखाया था प्लान मेरा सबसे ज्यादा और इमताह तब हो गई उसने ओम प्रकाश जी से मेरी कंप्लेंट कर दी बोले सर ये बंदा आया है ना चटक सा बैठा आगे डायरी पेन लेके नोट कर रहा है ज्वाइन नहीं है और एक महीने से परेशान कर रहा है डी नहीं दे रहा है ओम प्रकाश जी ने बोला ऐसे तो चेला चपाटों को को हैंडल करना नहीं आता है इसको ट्रेनिंग के बाद मेरे सामने बिठा देना दो तो मिनट में सेट कर दूंगा ऐसे बोला होगा मेरे मेरे मैं बोला मेरे को कहीं भागना जा ट्रेनिंग के बाद। और मेरी आज पेशी थी मुझे मालूम ही नहीं था प्लानिंग हो चुकी थी किसके सामने ओम प्रकाश जी के सामने पेशी होनी थी तैयारियां सारी हो चुकी थी घेरने की पूरी है ना इधर ओम प्रकाश जी भी सेट थे बोला आज इसको सेट करके भेजेंगे मेरे को बिठा दिया पूरा बिठा बैठू के हाँ हूँ हाँ करके मैं निकल गया उधर से हाँ <laughs> हाँ करता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ उन्होंने समझ लिया अपलायन तो अपलायन होते हैं उन्होंने समझ लिया बोले इसको ना थोड़ा दमदार डोज देनी पड़ेगी तभी फंक्शन आना था बोले इसको दो सौ का पास प्रमोट करो फिर मेरे को बताया आप पास ले लो मैं तो मेरे से मैं पास का नाम सुनते मैं उन्होंने बोला प्रोग्राम है बताओ कहाँ पर है बोला दिल्ली में जरूर चलेंगे दो सौ रुपए का पास है सो मेरी नानी मर गई दो सौ <laughs> दो सौ रुपये का पास है, है? कभी जीवन पिक्चर भी देखी होगी तो हमने वो सबसे सस्ती वाली टिकट लेके देखी होगी बालकनी में ना बैठे होंगे मैं पिक्चर वही देखनी क्या जरूरत है बालकनी में ऐसे करो गर्दन करो बोलो पिक्चर पिक्चर एक जैसी सबसे सस्ती वाली टिकट लो तो दो सौ रुपये हम क्यों दे बोलो कंपनी आपकी प्रोग्राम आपका अगर हम ज्वाइन होंगे तो काम आपके लिए करेंगे पैसे हम क्यों दें ये तो आप लोगों को देना चाहिए ना तो समझाया सब ने समझाया मैंने एक लड़का था जो हमारी टीम में नहीं था इतनी तीन चार हफ्ते में मैं समझ गया था अपलाइन डाउनलाइन क्या होते हैं है ना समझ में आ जाती है ना बातें समझ में आ गया था अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन को लाइन सब समझ में आ गया, गया था एक धीरज नाम का लड़का था तो वो वो हमारी टीम में नहीं था मतलब मैं ज्वाइन होता ना उस टीम में था ना मेरे अपलाइन की टीम में था वो दूसरी टीम में था किसी में तो उसने बोला भैया ऐसे एज में मेरे से थोड़ा छोटा रहा होगा भैया एक काम करो आप ना मेरे कहने से इस प्रोग्राम को अटेंड करो तो मैं बोला यार इस बंदे ये बंदा मेरे को प्रोग्राम अटेंड करने के लिए क्यों कह रहा है मैं अगर ज्वाइन हो जाऊँगा उसका तो कोई फायदा नहीं है तो इसका मतलब ये बात सही बोल रहा होगा मैं तू ढंग से बता मुझे तो उसने बताया मैं बोला अच्छा ये बताओ दो सौ मेरे बेकार गए तो बोला दो सौ बेकार नहीं जाएंगे प्रोग्राम बहुत बढ़िया है खाने पीने का अरेंजमेंट रहेगा वहाँ पर सब व्यवस्था रहती है बोला अच्छा फिर तो ठीक है लेकिन दो सौ फिर भी बेकार गए तो तो उसने बोला दो सौ रुपये बेकार गए तो मैं वापस कर दूँ मैं तुम क्यों करोगे अरे तो मैं उनसे करा दूंगा वापस फिर मेरे को लगा ये बंदा बढ़िया सही बात कर रहा है ठीक तो है फिर मैं दो सौ रुपये दे करके मैं पास ले लिया प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गई तो जैसे ही वहाँ ऑडिटोरियम के बाहर बढ़िया कैंपस था वहाँ पहुँचे सब बड़ा भीड़ टॉय लगाई लगाई मैं बड़ा मोटिवेट हो गया मैंने बड़ा भीड़ आ रही है भाई तो वहाँ उतरने के बाद में सुबह यहाँ से इंटरसिटी से हमको लेके गए थे ट्रेन से बहुत भूख लगाई बहुत तेज़ भूख लगाई तो हमको रास्ते में इसलिए नहीं खाया रेलवे ट्रेन में कि उन्होंने बताया वहाँ इंतजाम होगा खाने पीने का तो क्यों अपना खर्चा किया जाए खामा खामा -खाम? उधर ही खाएंगे दो सौ रुपये दिए हैं तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही देखा वहाँ बुफे लगा हुआ मैं वाह क्या बढ़िया आदमी मैं गलत सोच रहा था इनके बारे में जैसे पहुँचे लापला प्लेट उठाएँ सबसे पहले तो जैसे वो प्लेट उठाने के लिए वहाँ एक टाइल लगा के साफ खड़े थे उन्होंने बोला सर कूपन होगा कूपन मेरे कूपन तो कुछ नहीं है हमारे भाई पास है प्रोग्राम के पास दिखाते बोले नहीं नहीं ये तो पर, ये एंट्री अंदर जाने का है कूपन होगा खाने का बोला यही है जो कुछ है हमको अलग से तो कुछ है नहीं तो बोले वो काउंटर देख रहे हो मैंने यहाँ वहाँ जाओ पिचहत्तर रुपये जमा करो और वहाँ से कूपन मिले बायर <laughs> भाई, भाई मैं बोला सरासर लूट है धोखाधड़ी है कुछ नहीं है बकवास बाजी है मैं तो कम बोल रहा था मेरे संग जो एक और गया था एक विजय मास्टर जी था वो तो उखड़ पड़ा बिफर गया वहां पर रोने लगा चोर हैं सब कंपनी वाले सब झूठे हैं फ्रॉड है ओपन धोखाधड़ी चल रही है बोला था खाना मिलेगा पिचहत्तर रुपये की लूट हो रही है यहां पर तो अब हमको कौन कंट्रोल करे चलो भाग वापस चलो पैसे चाहिए हमें अभी के अभी दो सौ रुपये वापस अभी क्या अभी। और वो जो बोल रहा था हम दे देंगे वो बोला पढ़े पढ़ाए थे पहले से ही सर दो सौ रुपये वापस तो मिलेंगे लेकिन आपको ना शाम तक रुकना पड़ेगा प्रोग्राम क्लोजिंग के बाद ही मिल पाएंगे मेरे ये तो कोई जबरदस्ती नहीं हम नहीं अटेंड करना चाहते हमारा प्रोग्राम पैसा वापस करो बोला नहीं नहीं प्रोग्राम खत्म होने के बाद सौ परसेंट मिलेंगे वापस अब तो बड़ी परेशानी हो गई आठ घंटे रुकना है शाम को मिलेंगे दो सौ रुपये अब प्रोग्राम अटेंड करना इसलिए नहीं रुके दो सौ रुपये वापस लेने इसलिए रुके इसलिए रुकना है भाई लोग लेके जाएंगे ऐसे नहीं है खाली हाथ नहीं जाएंगे सब ने प्लानिंग की बोला दो सौ रुपये लेने हैं अब या तो बाहर दो गर्मी में मरो या फिर मौका का अटेंड भी कर लो और शाम को दो सौ रुपये भी ले लो हमारा तो फ़ायदा हो जाएगा प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया और दो सौ रुपये भी वापस मिल जाएंगे ऐसे करके सब ने प्लानिंग की बोले चलो अंदर जैसे ही अंदर गए धमाका हो गया मैं देखा ये तो ये तो अलग ही दुनिया है भाई और वहाँ पर जा करके के मेरा तो दिमाग सेट होना सबका हो जाता है मेरा भी हो गया सही तो है मैं भूल गया अपने दो सौ रुपये खाना भूल गया भूख भूल गया मैं बोला अभी तो जापा होगा दमदार काम करेंगे <laughs> उधर से सेट होके आया इतना सेट हो गया मैं बोला अभी तो सेट कर देंगे हजारों को सेट कर देंगे अभी ठीक है तो उस प्रोग्राम को वो दिन था ये देखो कौन सा दिन था 22 जून 2003 का दिन था और मेरी आईडी डली 26 जून 2003 को है ना तो यहाँ से आने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई और मैं ज्वाइन हुआ उसके बाद फिर यहाँ से फिर इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हुई मतलब बड़ा काम करेंगे भी छोटा मोटा नहीं करेंगे तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम मीटिंग तो अटेंड कर लिया होंगी तो फिर बार बार मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है कमाल धमाल तो एक ही में हो जाना चाहिए बाकी तो फिर क्या है फिर बाकी एक बार समझ गए फिर हमको क्या समझाने की जरूरत है लेकिन बार बार मीटिंग में किस लिए आना पड़ता है अब खुद को नहीं समझाना पड़ेगा कभी भी किसी मीटिंग में है ना पकड़ पकड़ के लाएंगे उनको समझवाने के लिए लाते होंगे शायद आप समझवाने के लिए लाए होंगे खुद को समझाने के लिए नहीं आए होंगे ना? है ना हाँ ठीक है बढ़िया तो यहां से मेरी शुरुआत हुई बिजनेस की इस बिजनेस में मैंने इस प्रोग्राम को देखा तब मैं ज्वाइन नहीं था लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सेट हो गया इस प्रोग्राम में इस यहाँ के बाद फिर मैं बोला क्या करना है अभी बड़ा धमाका करना है है ना छोटा मोटा काम नहीं करना है फिर हम रोए नहीं छोटे मोटे कामों के लिए ऐसी छोटी मोटी तस्वीरें हैं ऐसी है। ये तो बहुत बात का है 2007 का है फोटो है शायद ये है ना 2007 का है उस समय पर हमारा काम ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था है ना ग़रीबी की हालत थी माली हालत ख़राब थी ठीक है